हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेशन 15 जिसका नाम है कंपैटिबिलिटी। हम अपने वेब पेज की वेबसाइट की कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि हमारा जो वेब पेज है, वेबसाइट है, किस किस ब्राउज़र के कंपैटिबल हैं, मतलब उसके अनुकूल है, उसके ऊपर एक्सेसिबल है। आपने कई बार देखा होगा बहुत सी वेबसाइट बहुत सी ब्राउज़र पे प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं होती, प्रॉपरली वर्किंग नहीं करती। इसलिए हमने जो वेब पेज वेबसाइट बनाई है, हम उसकी पहले ही कंपैटिबिलिटी चेक कर लेंगे कि हमारी वेबसाइट, हमारा वेब पेज किस किस ब्राउज़र के कंपैटिबल है या नहीं। आओ थोड़ा पढ़ के हम देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। चेकिंग कंपैटिबिलिटी विद अदर ब्राउजर्स। वंस यू कंप्लीट डिजाइनिंग योर वेबसाइट, यू नीड टू इंश्योर दैट योर वेबसाइट वर्क्स एंड लुक्स एज एक्सपेक्टेड। जैसे आप चाहते, जैसा आपने उस वेबसाइट से, वेब पेज से एक्सपेक्ट किया है, वैसा ही उसकी लुक दिखती है, वैसे ही वर्क करती है। ये हमें वेबसाइट को लॉन्च करने से पहले, पब्लिश करने से पहले चेक करना होता है। यू कैन यूज द कंपैटिबिलिटी चेकर टू चेक आल पेजेस ऑफ ए वेबसाइट आर कंपैटिबल विद डिफरेंट ब्राउजर्स। हम अपनी वेब पेजेस को, जब वेबसाइट्स को हम चेक करते हैं कंपैटिबिलिटी चेकर की हेल्प से, कि आपकी जो वेबसाइट है वो डिफरेंट ब्राउजर के साथ कंपेटिबल है या नहीं। दिस हेल्प सेव टाइम एंड यू नीड नॉट वरी अबाउट चेकिंग ईच एंड एवरी वेब पेज और आइटम ऑन योर वेबसाइट। ये जो आपका एक्सप्रेशन वेब है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सप्रेशन वेब है जो आपका, ये आपकी हेल्प करता है कंपेटिबिलिटी चेक करने में, और इससे आपका कंपैटिबिलिटी चेकर की हेल्प से आपका टाइम भी सेव होता है। क्लियर? अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं हमने अपनी वेबसाइट को कैसे, उसकी कंपैटिबिलिटी को चेक करना है। बहुत ही आसान है। हम प्रैक्टिकल के लिए हम देखते हैं। हमने एक्सप्रेशन वेब को ओपन कर लिया। जी, मेरी वेबसाइट ओपन की हुई है मैंने, जिसका नाम है आज की वेबसाइट 13। क्लियर? और इसके अंदर मैंने टूल्स मेनू में जाना है, वहाँ पे है कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट्स। ये हमारी कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट्स चेकर वाला जो आपका डायलॉग बॉक्स है, वो उसकी जो विंडो है अपने सामने खुल चुकी है। इसके अंदर हम देखेंगे हमने सिलेक्टेड पेज करने हैं, जब हम ऑल पेजेस करने हैं, हमने ऑल पेजेस करने हैं। फिर आपकी जो कंपैटिबिलिटी है ब्राउज़र के साथ करनी है, जहाँ फिर आपने HTML स्टैंडर्ड के साथ करनी है। हमने इसकी ब्राउज़र के साथ करनी है, मींस 8.0 के साथ। ठीक है, इसके बाद होता है CSS कंपैटिबिलिटी। हम चेक कर सकते हैं, जैसे आपकी जो आपकी CSS है वो होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। वेब पेज को एक बेटर, बढ़िया स्टाइलिश लुक देने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टाइल शीट का। उसमें फॉन्ट साइज, उसकी बैकग्राउंड इमेज, मतलब उसका, उसके ऊपर जो इफेक्ट्स लगाते हैं, ट्रांजिशन लगाते हैं, एनिमेशन लगाते हैं, वो सारे हमारे कैस्केडिंग स्टाइल शीट की हेल्प से लगते हैं। और इसके लिए भी उसका भी क्या है, मैं कैपेबिलिटी चेक करनी होती है, जो आपका, जो आपने सीएसएस कोड यूज़ किया है वो आपका किस ब्राउजर कंपेटिबल है। अगर किसी कंपेटिबल तो नहीं, जो आपकी वेबसाइट का विजिटर है, जो व्यूर है, वो अगर किसी, आप जो ब्राउजर यूज़ कर रहे हो उसके अलावा अगर वो अदर पे एक्सेस करता है तो उसको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। इस चीज़ की श्योरिटी के लिए हम अपने अपने वेब पेज या वेबसाइट की हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं कंपैटिबिलिटी चेकर की हेल्प से। क्लियर? यहाँ आपने ऊपर आपने देखना है स्टैंडर्ड HTML का कौन सा है, ब्राउजर कौन सा है, नीचे आपने देखना है कैस्केडिंग स्टाइल का स्टैंडर्ड कौन सा है, उसको चेक पे क्लिक कर देना है, और उसी के नीचे आपकी कंपैटिबिलिटी की रिपोर्ट खुल जाएगी। इसमें आपने दिखाएगा किस पेज में, किस लाइन में इशू टाइप क्या है, स्कीमा कौन सी है, प्रॉब्लम समरी क्या है। अगर प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे नीचे डिस्प्ले कर देता।
क्लियर, ये हमारी रिपोर्ट भी इसी में दिखा रहा है, क्लियर, नीचे सी रिपोर्ट दिखा रहा है जो हमारी इसको वेबसाइट की कंपैटिबिलिटी को चेक करने के बाद आई है। ये हमारा पेजेस में यह बताएगा कौन से पेज, पेज का नाम बताएगा, ये पेज के अंदर कौन सी लाइन पे है प्रॉब्लम है, उसका इशू टाइप क्या है, उसकी स्कीमा क्या है, उसकी प्रॉब्लम समरी क्या है, ये सब कुछ हमें जो हमारे चैप्टर डिस्प्ले कर दे अगर हमारी प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो हमने वेबसाइट चेक की उसमें कोई भी हमारी प्रॉब्लम, कोई भी एरर नहीं है। इसके बाद होता है हमने अलग से चेक करना कैस्केडिंग स्टाइल शीट का, इसके ऊपर क्लिक करो, ऑल पेजेस पे करनी है, और आपने चेक किसके लिए करना है, अनयूज टाइल्स करना है और अनडिफाइंड क्लासेस करना है और मिसमैच्ड केसेस करना है, चेक पे क्लिक कर दो और ये सारे चेक कर देगा, जिस जहाँ भी इसकी रिपोर्ट दिखा जिसमें हमारा कोई भी एरर पाया नहीं गया, जो आपकी सीएसएस रिपोर्ट है और जो आपकी कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट है, ठीक है। और इस सेशन का हमारा मेन जो एम था, आपके जो आपने वेबसाइट या वेब पेज आप डेवलप कर रहे हो वो आपका किसी वेब ब्राउज़र के इनकम्पैटिबल तो नहीं है, उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए हम कंपैटिबिलिटी चेकर का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट कीजिए और मैसेज कीजिए। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।